नेक्स्ट क्वेश्चन दो का सवाल है क्वेश्चन से इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ मैग्नीट्यूड हैज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज एज क्यू एंड इट्स डायपोल मोमेंट इज पी इट इज़ प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इफ इट्स डायपोल मोमेंट इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फील्ड हमें बताना है कि फोर्स ऑन इट एंड पोटेंशियल एनर्जी रेस्पेक्टिवली कितने होंगे बहुत सिंपल सवाल है uh, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका डायपोल जो है वो इस प्रकार रखा हुआ है कि ऐसे करके हमने उसको डायपोल आपका पी यहाँ पे डायपोल रख दिया नाउ ये हमें पता है कि डायपोल हमेशा फिजिक्स में हम ऐसा लिखते हैं कि माइनस क्यू से प्लस क्यू होएगा केमिस्ट्री वाले उल्टा पढ़ाते हैं सो माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा आपका डायपोल तो इस वाले केस में जो आपका एफ नेट होएगा एफ नेट विल बी इक्वल टू जीरो बिकॉज इसके ऊपर चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लग रहा होगा क्यू ही और इसके ऊपर इधर फोर्स होगा क्यू ही सो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो तो नेट फोर्स जीरो होएगा और इसकी जो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते हैं यू वो होती है पी ई -E, आपकी माइनस पी डॉट ई और इसको आप लिखोगे माइनस पी ई कॉस ऑफ ज़ीरो डिग्री सो इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई माइनस पी नाउ हमें ये बात पता है कि अगर इस पोजीशन में रखा हुआ है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पर माइनस पी ई मिनिमम होएगी सो इन दैट केस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी ज़ीरो एंड मिनिमम विल बी द राइट आंसर